हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमंत जैन है। मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि हमको जीपीएससी यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए, सिविल ब्रांच वालों के लिए, उसकी किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है ना, ब्रीफली मैं आपको एक दो पॉइंट बता देता हूँ कि इसकी वैकेंसी 350 है और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 2 फरवरी 2020 है। फॉर्म ये मैं प्रीवियस वीडियो में अपने ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बता चुका था कि जिसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में आया था, 4 नवंबर इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। ठीक है ना, तो जिन लोगों ने फॉर्म भर लिए हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम को आगे हमको इस तरीके के एग्ज़ाम को कैसे डील करना चाहिए। उस वीडियो के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से जानना चाहते थे कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमको किस तरीके से अप्रोच करनी है, और बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी क्वेरी थी कि ये एग्ज़ाम इजी नहीं है, ये टफ एग्ज़ाम है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, एग्ज़ाम इजी इस संदर्भ में है ये एग्ज़ाम क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर को वो कम है, इसलिए ये इजी है। बट क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे टफ आता है। टफ का मतलब है जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली नॉन रूटीन आते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको ये चीज़ बताई थी कि नॉन रूटीन क्वेश्चन आते हैं, और नॉन रूटीन क्वेश्चन नॉर्मली हम छोड़ के जाते हैं इसलिए हमको वो टफ लगते हैं। तो सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कहाँ से, ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है, हम इस तरह के क्वेश्चन कैसे करें, ये एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो यही है कि सोर्सेज ऑफ मटेरियल क्या है, या हमको किस तरह की चीज़ें यहाँ पे पढ़नी चाहिए। तो सोर्सेज ऑफ मटेरियल में मैं यहाँ पे दो चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा, एक तो टेस्ट सीरीज कि हमको किस तरह की टेस्ट सीरीज को रेफर करना चाहिए जिसमें क्या क्या चीज़ें हो और हमको अच्छा लगे उसको करके, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन कवर अप हो। दूसरी चीज़ है यहाँ पे, तो एक तो पॉइंट हो गया टेस्ट सीरीज का, दूसरा पॉइंट है बुक कौन सी हमको प्रैक्टिस के लिए यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे अभी करीब हमारे पास 3 महीने या 2.5 महीने का टाइम है, अभी हमारे पास 2.5 महीने मान लीजिए। ठीक है ना, एग्जाम अगर एक्सटेंड नहीं होता उसी डेट पर होता है तो 2.5 महीने फॉर्म फिल हो चुके हैं। अब सारे बच्चे जो इनको एग्जाम देना है वो सारे बच्चे यहाँ पे हमारे पास सामने है। ठीक है ना, उनको सबको पता है कि तैयारी करनी है। तो मैं फिर एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि जो गुप्ता गुप्ता टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए कि वो किसी भी एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना, अगोर वगैरह इन सब चीज़ों को भूल जाइए। जीपीएससी के एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पकड़ने पड़ेंगे। अच्छा, एक क्वेरी और थी स्टूडेंट की कि हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर नहीं है, तो वो आप प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स, और एक था सिलेबस की भी पॉइंट था यहाँ पे। तो मैं अपने इस वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन वाले हेड के अंदर प्रीवियस ईयर्स पेपर का मैं पूरा जो मेरे पास जितने भी अवेलेबल है लास्ट एग्जाम तक के, मैं यहाँ पे एक उसका जिप फाइल आपको डाल रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस की जिप फाइल डाल रहा हूँ वो डाउनलोड कर लीजिएगा आपको, और जो लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ जिस जो आपको टेस्ट सीरीज एंड बुक के लिए है, वो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज और बुक को परचेज कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, सो अब हम सबसे इससे सोर्सेज की बात करते हैं, जो दो हमने अभी अभी बात की, एक तो टेस्ट सीरीज की और दूसरा बुक की, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर टेक्निकल। देखिए इस एग्जाम, ये एग्जाम बेसिकली ऑफलाइन एग्जाम है। ठीक है, अभी तक का इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं आया कि ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, बट मार्केट के अंदर कोई भी अच्छी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं है। इनफैक्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी बहुत कम लोग प्रोवाइड करा रहे क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है। नॉर्मली क्या होता है एसएससी के, जैसे अगर आप बात करेंगे एसएससी जेई की, तो आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बट जीपीएससी क्या है कि एक सर्टेन स्टेट का एग्जाम है, इसलिए बाकी के स्टेट इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, तो बाकी के लोग नहीं कराते। इसलिए गुजरात में कुछ लोग प्रोवाइड करा रहे हैं इसके टेस्ट सीरीज, सारे लोग नहीं करा रहे, बट क्वालिटी वाइज वो उतना इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको एक सोर्स बता रहा हूँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, टेक्निकल के लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिंस कि हमको पता है कि 300 में से 200 क्वेश्चन जो आने टेक्निकल के आने, इसलिए टेक्निकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो टेक्निकल के लिए आपको जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रेफर करनी है, जो बेस्ट अवेलेबल एंड ऑथेंटिक सोर्स है वो है ऑनलाइन वरदान। ठीक है, देखिए इसमें इसके ऊपर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने लास्ट टाइम भी क्लेम किया है कि अप्रोक्सीमेटली 29% क्वेश्चन टेक्निकल के अंदर इनकी टेस्ट सीरीज से आए हैं, जो जीपीएससी का लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था रोड वाला, R&B जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, सो आप इस टेस्ट सीरीज को रेफर कर सकते हैं यहाँ से, उसका टेस्ट सीरीज का पोर्टल है, उस टेस्ट सीरीज के ऐप है, एंड्रॉयड और iOS दोनों के ऊपर डाउनलोड हो सकती है। वेबसाइट, इनकी वेबसाइट जो ऑनलाइन वरदान की, उस पर जाके भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के अंदर का मटेरियल क्या है, इंटरफेसेस क्या होंगे, वो मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हो क्लेम 29% ऑफ टेक्निकल क्वेश्चन ऑफ लास्ट AEN एग्जाम फ्रॉम इट्स टेस्ट सीरीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह के नॉन रूटीन क्वेश्चन में अगर 29% क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं या उनका पैटर्न मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सो इस बार ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, सो आप यहाँ से इस चीज़ को परचेज कर सकते हैं। इंटरफेस ऑफ टेस्ट सीरीज पोर्टल क्या है, इनका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये ऑनलाइन वरदान लिखा हुआ है,
इस तरह का डैशबोर्ड होता है, उसमें बहुत सारे टेस्ट वगैरह, जैसे जीपीएससी एई की टेस्ट सीरीज है, इसकी कॉस्ट 849 उन्होंने रखी हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे। उसके बाद एसएससी की भी है, सिविल की, ठीक है ना। और ये टेस्ट सीरीज आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं, इसकी लास्ट वैलिड डेट है 2 फरवरी 2020, क्योंकि और इन्होंने रिलीज किया है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को रिलीज इसलिए किया है क्योंकि नोटिफिकेशन आया था, और 2 फरवरी लास्ट डेट है क्योंकि 2 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। तो ये 2.5-3 महीने में आप इस टेस्ट सीरीज को अवेल करके इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली इसके क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। इस टेस्ट सीरीज में एक और अच्छी बात है कि ये आपको पूरा एनालिटिक बताते हैं कि कितने बच्चे अपेयर हुए हैं, उसमें से कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसका क्या टोटल क्वेश्चन में वेटेज था, इजी और हार्ड लेवल के क्वेश्चन क्या रहे, काफी एनालिसिस यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। अभी इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो अगर इस कोड को यूज करेंगे जीपीएससी 2020, तो आपको जो टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है उसमें 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा, जो कि 31 दिसंबर 2019 तक वैलिड है, ठीक है ना। इस कोड को यूज करेंगे जीपीएससी 2020 कैपिटल के अंदर, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ से टेस्ट सीरीज आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज को यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन निकालिए टेस्ट सीरीज के। टेस्ट सीरीज का मैं आपको एक बार ब्रीफ शेड्यूल भी बता देता हूँ। देखिए टोटल यहाँ पे 23 टेस्ट है, 23 में करीब 11 टेस्ट जो है आपके सब्जेक्ट टेस्ट है, 3 टेस्ट जो है क्लस्टर टेस्ट है, जो मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट है, सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके बनाए हैं, 14 हो गए, और 9 टेस्ट जो है सब्जेक्ट टेस्ट, सॉरी फुल सिलेबस टेस्ट है। तो ये सारी चीज आपको लिए इंपॉर्टेंट है। मैं देखिए इस तरह का शेड्यूल है टेस्ट सीरीज का, जैसे पहला टेस्ट है वो जीपीएससी E01 कोड है उसका, उसमें बिल्डिंग मटेरियल की बात करें, सारे जो आपके सिलेबस जो जीपीएससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक कवर किए हुए हैं, 25 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट आपका टाइम होगा उस टेस्ट सीरीज का, उस पर्टिकुलर टेस्ट का 1/3 मार्क होगा। फिर सॉलिड मैकेनिक्स है दूसरा टेस्ट, देन तीसरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है, देन डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना। पांचवा टेस्ट जो है, छठा कंस्ट्रक्शन जो सीपीएम हम जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट वो वाला है, देन फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रो पावर के ऊपर टेस्ट है, ये सारे सब्जेक्ट टेस्ट है, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर इरिगेशन, जियोटेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के ऊपर 9 टेस्ट, एंड 10वां है सर्वेइंग एंड जियोलॉजी, जियोलॉजी भी आपके सिलेबस में रिमेम्बर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन रोड सेफ्टी मेजर्स के ऊपर है ये GPSC 11 नंबर। तो ये 11 सब्जेक्ट जो आ गए ये सब्जेक्ट बेसिस टेस्ट हो गए, जिनके 25 क्वेश्चन हर टेस्ट में, 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एक बार आप सबमिट करेंगे तो आपको एनालिटिक्स से पता लगेगा कि आपकी कमी कहाँ पे है, ये पूरे सॉल्व है तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे इसके अंदर कि आपको क्या लिखना चाहिए था। देन 3 क्लस्टर टेस्ट है मिक्स सब्जेक्ट, पहला मिक्स सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इसमें 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसका टाइम करस्पॉन्डिंग 30 मिनट है। देन है फिर एक तो सॉइल हो गया, जियोटेक्निकल सर्वेइंग जियोलॉजी हो गया, एफएम हो गया, हाइड्रोलॉजी एंड इरीगेशन, अगेन इसके 50 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर स्टील, डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट, ट्रांसपोर्टेशन एंड सीपीएम पार्ट, ठीक है ना। ये 3 जो है आपका बेसिकली ये हमारे क्लस्टर टेस्ट है मिक्स, ठीक है, मिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो आपको एक अप्रोच मिलेगी कि हमको जब क्वेश्चन मिक्सिंग में हो रहे हैं तो किस तरह से अप्रोच करना चाहिए एग्जाम के अंदर। और ये जो 9 टेस्ट है ये फुल सिलेबस टेस्ट है, सारे टेक्निकल सब्जेक्ट इसके अंदर कवर है, और हर टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन मिलेंगे जिसका 1 घंटे आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि क्या है कि एग्जाम का टाइम टोटल 3 घंटे है, 3 घंटे में 300 क्वेश्चन है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि 200 क्वेश्चन जो है टेक्निकल है और 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल है, हालांकि आप ऐसा डिफाइन नहीं है कि हर क्वेश्चन को, हर 100 क्वेश्चन को आपको 1 घंटे में करना है, बट आइडियली मैंने मान लिया अगर आप 1 घंटे में कर लेंगे तो काफी कुछ है। तो यहाँ से आपको स्पीड कैसे मेंटेन करनी है और क्वेश्चन को कैसे रिजॉल्व करना है वो आपको मिलेगा। तो ये 23 टेस्ट आपको फुल एनालिटिक के साथ और सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो जो मैंने कोड बताया है GPSC कैपिटल में 2020 कोड आप यूज कीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ, ऑनलाइन वरदान के ऊपर आप डायरेक्टली जा सकते हैं या फिर इसकी ऐप भी यूज कर सकते हैं, चाहे आपका आईफोन है या एंड्रॉयड बेस्ड है। और जो इसकी टेस्ट वेबसाइट है HTTPS, ठीक है ना, इसको आप यूज कर सकते हैं, onlinevardhan.com, test.onlinevardhan, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको यूज भी कर रहे हैं, जो यूज नहीं कर रहे उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है, आपको किसी भी साइट के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपको जीपीएससी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज ही नहीं करा रहा, क्योंकि बहुत छोटा एग्जाम समझते सब, लेकिन जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से सारी चीजें कर सकते हैं। अब सेकेंड सोर्स की बात करते हैं, प्रैक्टिस बुक हमको कौन सी यूज करनी है।
तो प्रैक्टिस बुक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये ऑनलाइन वरदान की प्रैक्टिस बुक है जीपीएससी की, इसमें 4000 MCQ क्वेश्चन है। मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ, 4000 MCQ क्वेश्चन में जो वेटेज दिया गया है, प्रीवियस ईयर के ईएससी के क्वेश्चन को वेटेज दिया गया है, जो इस लेवल के है जो जीपीएससी में आ सकते हैं। सारे लेवल के क्वेश्चन नहीं है, टफ लेवल नहीं है, इजी भी नहीं है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, उनका कलेक्शन है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन डेवलप किए हुए हैं, इस तरह से क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। तो करीब 4000 आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस यहाँ इस पूरी बुक के अंदर सब्जेक्ट वाइज पहले बाइफर्केटेड है, देन हर सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज है क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये जो पूरी बुक है विद प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ है। इस बुक को आप देखिए यहाँ पे ऑनलाइन भी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है, ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन वरदान डॉट कॉम की वेबसाइट से जाके, या इंस्टा मोजो से भी इस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, www.instamojo.com ऑनलाइन वरदान, या फिर आप गूगल प्ले से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन वरदान की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे हार्ड कॉपी में भी आप बुक मंगा सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मंगाते हैं स्पायरल बाइंडिंग, हार्ड बाउंडिंग, और आप चाहे तो ये इसको डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। हार्डली 70-80 रुपये की बुक है, तो डजेंट मैटर, कोई महंगी नहीं है बुक, ठीक है ना, पीडीएफ के अंदर। हाँ हार्ड कॉपी में मंगाते तो डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट पीडीएफ में कीजिए आप, इट इज बेटर सोर्स, ठीक है। सो ये बुक आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो जितनी भी आपके पास अपने सिविल सब्जेक्ट की बुक है जो आप ऑलरेडी यूज करते हैं, वो भी आप रेफर करते हैं, करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि इसी बुक के ऊपर डिपेंड रहना है, प्रीवियस ईयर्स के एसएससी जेई वगैरह के क्वेश्चन पेपर भी निकालने हैं आपको, ठीक है, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, इस बुक के क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर्स के एसएससी जेई के क्वेश्चन करने हैं, ईएस के करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं काफी कुछ चीजें इसके अंदर ऑलरेडी कवर हो चुकी है, ठीक है। और अपनी जो टेक्स्ट बुक है हर सब्जेक्ट की, अगर जितना टाइम मिल रहा है उसके क्वेश्चन निकालिए इजी लेवल के, उसकी थ्योरी से जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस एग्जाम के अंदर थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का इक्वल रेशियो रहने वाला है, कोडल प्रोविजंस काफी आएंगे, ठीक है। इस वीडियो के साथ मैं आपको जो चीज़ें अवेलेबल करा रहा हूँ सिलेबस का, आपको यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो जीपीएससी के आ चुके असिस्टेंट इंजीनियर के 6-7 पेपर्स हैं, उनका एक बंच मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। ये जो बुक और टेस्ट सीरीज के लिंक है ये मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा रहा हूँ, ओके। सो मेरे ख्याल में अभी इस वीडियो के बाद आपकी सारी क्वेरी सेटिस्फाई हो गई होगी कि हमको क्या मटेरियल यूज़ करना है, कहाँ से टेस्ट सीरीज यूज़ करनी है, हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, सिलेबस कहाँ मेंशन है, और इस एग्जाम के अंदर किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, ये एग्जाम इजी है या टफ है, टफ किस सेंस में, अगर है तो इजी है तो किस सेंस में, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है।